करंट फाइनेंशियल ईयर, करंट फाइनेंशियल ईयर की कमेंसमेंट से वो पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया ही होगा, लेकिन वो पर्सन अदरवाइज एम्प्लॉयमेंट के लिए नहीं था, मींस एम्प्लॉयमेंट के लिए था, ओके, बिजनेस के लिए था, वोकेशन के लिए था, एनी अदर पर्पस के लिए था, तो उस केस में क्या होगा, ही विल बी ए पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया फ्रॉम द डेट ऑफ अराइविंग इन इंडिया, तो मैं आपको एक काम करता हूं, इसका भी जो ये वाला पार्ट है ना, इसको भी मैं यहां पर आपको ब्रीफ में नोट डाउन करा देता हूं। यदि ये 182 डेज से ज्यादा का है, फॉर करंट ईयर इंडिविजुअल विल बी रेजिडेंट इन इंडिया इन जनरल रूल तो हो गया, ये दो एक्सेप्शन आ गई नंबर वन, इफ ड्यूरिंग करंट ईयर इंडिविजुअल इज गोइंग आउटसाइड इंडिया और स्टे आउटसाइड इंडिया फॉर, यही तीनों बातें स्मॉल में लिख दूं, एम्प्लॉयमेंट, ई स्टैंड्स फॉर एम्प्लॉयमेंट, बी स्टैंड्स फॉर बिजनेस और वोकेशन, और अदर पर्पस EBO, E stands for employment, B stands for business vocation, O stands for any other purpose. यदि वो किसी और purpose के लिए जहां पर उसकी intention इंडिया से बाहर, यहां पर intention इंडिया से बाहर की है उसकी, for uncertain period, then क्या होगा, individual will be considered as person resident outside India from date of departure. ये वो वाली एक्सेप्शन हो गई जो मैंने आपको नोट्स में ये ऐसे करा रखी है। अब मैं आपको ये वाली एक्सेप्शन करा रहा हूं, ये वाली एक्सेप्शन, दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट, इफ ड्यूरिंग करंट ईयर इंडिविजुअल इज arriving in India or stay in India during the current year for purpose other than employment, business, uncertain period, other purpose के लिए, तो ये individual क्या होगा, individual will be
रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया फ्रॉम डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर। और तीसरा केस, इफ ड्यूरिंग करंट ईयर इंडिविजुअल इज अराइविंग इन इंडिया और स्टे इन इंडिया for employment, business, vocation or other purpose. अब मैंने यहां तो लिखा for purpose other than, यहां पर मैंने लिखा इन्हीं के लिए आ रहा है, तो क्या होगा?